नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप ही लोगों का डिमांड था कि दोस्तों मैं टाटा 407 का साथ टाटा योद्धा 1700 का कंपेयर करूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करेंगे योद्धा 1700 का साथ ये 407 को और देखेंगे आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। टाटा योद्धा 2.0 जो है दोस्तों वो SCV यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी से बिलोंग करता है और वहीं पर ही टाटा 407 जो है दोस्तों वो लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी LCV कैटेगरी से बिलोंग करता है। दोनों का पेलोड जो है उसमें दोस्तों कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। योद्धा का 2.0 में दोस्तों जो पेलोड आ जाता है वो आ जाता है 2000 kg का और वहीं पर ही जो 407 है इसका जो पेलोड आता है वो 2500 kg का रहता है। तो देखते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी जल्दी देख पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल यानी दोस्तों टाटा SEV ये एक दोस्तों स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो कि दोस्तों EV रहता है इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिखा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया रहेगा। चलिए सबसे पहले इन दोनों गाड़ी का जो इंजन है उसके बारे में बात करते हैं। जो योद्धा 1700 गाड़ी है दोस्तों उस पर जो इंजन आ रहा है वो टाटा का BS6 फेज 2 वाला एक 2.2 लीटर का TI इंजन आ जा रहा है। इस इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है दोस्तों 2200 cc का और ये एक 4 सिलेंडर का इंजन रहता है। वहीं पर जो टाटा 407 है दोस्तों उस गाड़ी में जो इंजन आ रहा है वो टाटा का 4SPCR इंजन आ रहा है। वो दोस्तों एक डेल्फी इंजेक्शन सिस्टम यूज कर रहा है, फ्यूल इंजन सिस्टम। और इस इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 2956 cc का और ये भी एक 4 सिलेंडर इंजन रहता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों टाटा 407 है इसका जो इंजन है दोस्तों वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू योद्धा 1700, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को करीब करीब 3 लीटर का इंजन मिल जा रहा है 3 लीटर का और वहीं पर जो योद्धा है उसमें दोस्तों 2.2 लीटर का करीब 800 cc का डिफरेंस आ जाता है जो योद्धा टू कम्पेयर टू 407 में बड़ा इंजन मिलता है, 800 cc ज़्यादा बड़ा इंजन मिल जाता है। तो नेचुरली जो पावर और जो टॉर्क फिगर्स होगा वो 407 का ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसका इंजन बड़ा है। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो पावर और जो टॉर्क फिगर है उसका हम बात करते हैं। जो योद्धा 1700 है इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर रहता है दोस्तों वो रहता है 100 hp का और जो मैक्सिमम टॉर्क योद्धा प्रोड्यूस कर सकता है वो रहता है 250 Nm का। वहीं पर जो 407 है दोस्तों इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर रहता है वो रहता है 100 hp का जो कि आ जाता है 2800 rpm में और जो मैक्सिमम टॉर्क ये 407 प्रोड्यूस कर सकता है वो रहता है 300 Nm का जो आ जाता है 1200 से लेकर 2200 rpm में। तो यहाँ पर दोस्तों जो टॉर्क फिगर है वो 407 का ज़्यादा है, 407 में 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं पर जो योद्धा है उसमें 250 Nm का जो टॉर्क है वो मिल जाता है। तो जो इनिशियल पिकअप होगा वो 407 में बहुत ज़बरदस्त होगा कम्पेयर टू योद्धा। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी के जो ट्रांसमिशन और गियरबॉक्स है उसका हमें बात करते हैं। जो योद्धा 1700 है इसमें दोस्तों जो ट्रांसमिशन आ जा रहा है वो एक 5 feet का ट्रांसमिशन आ रहा है जिसमें कि दोस्तों 5 forward और एक रिवर्स गियर आ रहा है और जो क्लच आ रहा है दोस्तों वो 260 mm डाय का एक क्लच आ जा रहा है और जो ये टेक्नोलॉजी रहता है गियरबॉक्स का वो 200 synchronous टाइप वाला गियरबॉक्स इस गाड़ी में आ जाता है। वहीं पर जो 407 है दोस्तों उस गाड़ी में भी दोस्तों आप लोगों को जो ट्रांसमिशन आ रहा है वो 5 feet का ट्रांसमिशन आ रहा है जिसमें कि 5 forward और एक रिवर्स गियर के साथ ट्रांसमिशन आ रहा है और जो क्लच आ रहा है दोस्तों वो 280 mm डाय का एक क्लच आ रहा है जिसमें कि दोस्तों क्लच बूस्टर भी आ जाता है। और जो गियरबॉक्स आ रहा है टाटा 407 में वो टाटा का G400 का सिंक्रोनस टाइप वाला गियरबॉक्स आ जा रहा है। ये जो गियरबॉक्स दोस्तों इन दोनों गाड़ी को जो मैक्सिमम ग्रेडेबिलिटी दे रहा है, सबसे पहले तो जो योद्धा 1700 है उसका जो ग्रेडेबिलिटी रहता है वो रहता है 34% का और जो टाटा 407 है उसका जो ग्रेडेबिलिटी रहता है वो रहता है 35% का। तो दोनों का ही दोस्तों जो ग्रेडेबिलिटी है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है। दोनों ही गाड़ी दोस्तों लोड लेके पहाड़ों में आराम से जा सकता है, लेकिन जो 407 है उसका जो ग्रेडेबिलिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल करता है 35% का, वो अच्छा बात है। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड और जो दोस्तों फ्यूल एमिशन नॉर्म्स है उसका हमें बात करते हैं। जो योद्धा 1700 है दोस्तों वो भी दोस्तों जो मैक्सिमम स्पीड रहता है इसका ये रहता है 80 km/h के आसपास और जो 407 है उसका भी दोस्तों 80 km/h के आसपास जो मैक्सिमम स्पीड रहता है। इन दोनों का जो दोस्तों ये मैक्सिमम स्पीड है ये रिस्ट्रिक्टेड स्पीड है ECU द्वारा। जो योद्धा 1700 है दोस्तों वो BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ अब आ रहा है और जो फ्यूल टाइप रहेगा वो तो डीजल का रहेगा और जो फ्यूल कैपेसिटी रहता है योद्धा 1700 में वो रहता है दोस्तों 45 liters का। वहीं पर जो टाटा 407 है ये भी दोस्तों फिलहाल तो वो BS6 फेज 2 के साथ आ रहा है और इसमें दोस्तों आप लोगों को वही डीजल ही डालना पड़ेगा और जो कैपेसिटी रहेगा वो रहेगा 6 liters का। तो जो रेंज रहेगा दोस्तों वो जो टाटा 407 है उससे ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू योद्धा 1700। तो योद्धा 1700 में थोड़ा सा कम रेंज मिलेगा। तो हाईवे क्रूजिंग के लिए साथ साथ दोस्तों जो ऐसा रिमोट एरिया जहाँ पर पेट्रोल पंप ज़्यादा नहीं है उन तरह का सिचुएशन में जो है 407 जो है वो बाजी मार लेता है। आइए दोस्तों अब इन दोनों गाड़ी का जो GVW और पेलोड है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो योद्धा 1700 है इस गाड़ी का जो GVW रहता है वो रहता है 3490 kg का और जो पेलोड रहता है वो रहता है 1700 kg का जैसे कि उसका नाम में है। और जो टाटा 407 है दोस्तों उस गाड़ी का जो GVW रहता है वो रहता है 4995 kg का और जो पेलोड आ जाता है वो रहता है 2500 kg का यानी 2.5 ton का। तो जो दोस्तों पेलोड है वो तो 407 में ज़्यादा है ही, साथ ही उसका GVW भी ज़्यादा है, ये तो नेचुरल बात है। अब दोस्तों जो व्हीकल कॉन्फिगरेशन आ जाता है कंपनी द्वारा दोनों गाड़ी का उसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों गाड़ी दोस्तों जो कैबिनेट चैसिस का साथ आता है कैबिनेट लोड बॉडी का साथ आ जाता है। ये दोनों गाड़ी में दोस्तों एक अच्छा बात ये है कि दोनों गाड़ी दोस्तों सेमी फॉरवर्ड डे कैबिन का साथ आता है जिसके कारण से दोस्तों जो सेफ्टी है जो कॉल्यूशन का टाइम में जो सेफ्टी मिल जाता है ड्राइवर को वो बहुत ही अच्छा मिलता है, ये एक अच्छा बात है दोनों ही गाड़ी के लिए।
अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसके बात करते हैं। सबसे पहले योद्धा 1700 है दोस्तों, उसमें फ्रंट में आ जा रहा है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन और पीछे में दोस्तों सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आ रहा है। और जो 407 है दोस्तों उस गाड़ी में जो फ्रंट सस्पेंशन आ रहा है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर वाला सस्पेंशन मिलता है और पीछे में दोस्तों सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर वाला सस्पेंशन मिलता है। ये एक अच्छा बात है क्योंकि इस गाड़ी में दोस्तों कंफर्टेबल होने का साथ साथ ही जो मजबूती है वो बढ़िया मिल रहा है। दोनों ही गाड़ी में दोस्तों सामने एंटी रोल बार मिल जाता है, ये भी एक अच्छा बात है जिसके कारण से जो हाई स्पीड कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है वो दोनों गाड़ी में अच्छा रहता है। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो टायर साइज है उसके बारे में बात करते हैं। जो योद्धा 1700 है इस गाड़ी में दोस्तों 215/75 R16 का रेडियल टायर कंपनी द्वारा मिल जाता है और वहीं पर जो 407 है दोस्तों उसमें आप लोगों को 7.50 R16 4+1 का टायर सेटअप कंपनी द्वारा मिल जाता है। तो दोनों गाड़ी में दोस्तों जो 16 इंची का टायर मिल जाता है, व्हील मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो साइज प्रोफाइल है वो दोस्तों आप लोगों को 407 में ज़्यादा अच्छा मिलता है। और अगर दोस्तों हम लोग ओवरऑल डायमेंशन का या फिर चेसिस थिकनेस का इस सब का बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो 407 है वो क्लियरली बाजी मार लेता है क्योंकि उसका दोस्तों ओवरऑल डायमेंशन बहुत बड़ा है कम्पेयर टू योद्धा 1700, साथ ही उसका चेसिस का थिकनेस भी ज़्यादा है कम्पेयर टू योद्धा 1700। इन सब सीनरी में 407 दोस्तों बाजी मार लेगा। और इंटीरियर फीचर्स का बात करें तो दोनों ही गाड़ी में दोस्तों बढ़िया फीचर्स मिल जाता है, जो जितना भी नेसेसरी फीचर्स है वो सभी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो 407 है उसमें एक जन आराम से सो सकता है क्योंकि उसका कैबिन बड़ा है एज कम्पेयर टू योद्धा 1700। अब जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है कि आपको इनमें से कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। सबसे पहले ये जानने से पहले इन दोनों गाड़ी का एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। जो योद्धा 1700 है दोस्तों ये एक SCV है और इसका जो पेलोड है वो 1700 kg है। तो इस गाड़ी का जो एप्लीकेशन रहता है वो बेसिकली दोस्तों जो FMCG प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो यहाँ पर दोस्तों रिमोट एरिया जहाँ पर रास्ता ठीक से नहीं है उन तरह का सिचुएशन में जो LPG डिलीवरी, कच्चा माल डिलीवरी, दोस्तों जो एक FMCG प्रोडक्ट डिलीवरी, इन तरह का सिचुएशन में जो ये योद्धा 1700 है बहुत अच्छा गाड़ी है क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया रहता है, इसका इंजन भी पावरफुल है और इसका छोटा साइज दोस्तों इस गाड़ी को एक बहुत ही कैपेबल गाड़ी माना जाता है पहाड़ों में चलने के लिए, रिमोट एरिया में चलने के लिए। वहीं पर जो टाटा 407 है दोस्तों इस गाड़ी का इंजन योद्धा से ज़्यादा पावरफुल है, इसका पेलोड भी ज़्यादा बड़ा है, इसका ओवरऑल दोस्तों डायमेंशन भी ज़्यादा है, तो ये गाड़ी भी दोस्तों पहाड़ों में तो बढ़िया चल सकता है। साथ ही दोस्तों ये गाड़ी बेसिकली जो मंडी डिलीवरी होता है कच्चा माल एक मंडी से दूसरा मंडी बहुत ही फास्ट डिलीवरी, इन तरह के सिचुएशन में जो ये 407 है बहुत अच्छा गाड़ी रहता है। ये गाड़ी दोस्तों ओवरनाइट एक मंडी से दूसरा मंडी बहुत ही फास्ट डिलीवरी कर देता है, ये दोस्तों इसका पहचान ही है 407 दोस्तों जो मंडी टू मंडी डिलीवरी के लिए बहुत फेमस गाड़ी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा गाड़ी चाहिए जो आप लोगों को जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो लेकिन दोस्तों जो डिलीवरी है आप लोगों का बहुत ही रिमोट एरिया में करना पड़ता है, तो उन तरह का सिचुएशन में आप लोग दोस्तों जो योद्धा 1700 है उसका साथ जाइए। और अगर दोस्तों आप लोगों का मंडी टू मंडी डिलीवरी है और दोस्तों आप लोगों को हेवी लोड बहुत ही फास्ट डिलीवरी करना पड़ता है शॉर्ट डिस्टेंस में, तो दोस्तों आप लोग जो 407 है उसका साथ जाइए क्योंकि वहाँ पर दोस्तों ये गाड़ी ज़्यादा कमाई करके आप लोगों को देगा। फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है मुझसे अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से लिखेंगे दोस्तों, मैं इसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन को अवेलेबल रख लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो 407 का साथ नया वाला इंट्रा V70 इसका कंपैरिजन वीडियो देखना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिखा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो आप बात करते हैं इन दोनों गाड़ी का प्राइसिंग और माइलेज को लेके। तो जहां तक बात है माइलेज को लेके तो दोस्तों जो 407 है दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज निकल के आएगा और आइडियल कंडीशन में वो आप लोग करीब 10 से लेके 11 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है दोस्तों वो माइलेज आप लोग इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोड का साथ। वहीं पर ही जो 407 है दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 9 से लेके 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है दोस्तों इस गाड़ी से माइलेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी दोस्तों लोडिंग का साथ। और जो प्राइसिंग का बात रहता है दोस्तों जो 407 है इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो अब 13 लाख से एक शोरूम इस गाड़ी का प्राइसिंग है वो चालू हो जाता है। वहीं पर ही जो योद्धा 1700 है दोस्तों इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइसिंग वो आप लोगों को 9 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जो वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग नियरेस्ट टायर शोरूम में जाइए, वहाँ से इन दोनों गाड़ी का एग्जैक्ट प्राइसिंग पता कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो इतना देर देखने के लिए, तभी एक नेक्स्ट वीडियो और गाड़ी का साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।